हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमने नेम रिएक्शन का स्टार्ट किया हुआ था और आज की हमारी नेम रिएक्शन है हेलो फॉर्म अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हेलो फॉर्म अभिक्रिया। तो कैसे बना पाएंगे हेलो फॉर्म अभिक्रिया को, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तो करते क्या है इस पे हम, इस अभिक्रिया में हम या तो एथिल अल्कोहल ले सकते हैं, वो भी हेलो फॉर्म देता है। एस्टेल्डिहाइड ले सकते हैं, वो भी आपका हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है। और एसीटोन को अगर हम लेते हैं तो वो भी हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एथिल अल्कोहल लेके हेलो फॉर्म अभिक्रिया बनाने वाले हैं। ठीक है, हेलो फॉर्म नाम से समझ सकते हैं, हेलो यानी हेलोजन लगाते हैं हम। ठीक है, और हेलोजन से जब क्रिया कराते हैं तो वो क्या करता है, अगर हमने, आप पहले हेलोजन समझिए कि हेलोजन वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को हम क्या कहते हैं, हेलोजन वर्ग के तत्व कहते हैं। हेलोजन में आते हैं सबसे ज्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब आपके आते हैं हेलोजन में। ठीक है, तो हम एथिल अल्कोहल, एसीटोन या एस्टेल्डिहाइड की क्रिया अगर हम हेलोजन वाले तत्वों से करा दें, हेलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, और क्या मिलाएं, कास्टिक क्षार के साथ। कास्टिक क्षार कौन से हैं, या तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले सकते हैं या कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो जब अगर हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराएं एथिल अल्कोहल की, यहाँ पे मेथिल अल्कोहल लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन से कराने पे क्लोरोफॉर्म बनता है, अगर आयोडीन से करा दें तो आयोडोफॉर्म बनेगा, और अगर ब्रोमीन से करा दें तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। अब क्रिया का नाम ही है हेलो फॉर्म। तो अगर कोई भी हेलोजन, जैसे हमने क्लोरीन हेलोजन का तत्व तो यूज किया तो वो क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म। हेलो फॉर्म है ना, तो क्लोरोफॉर्म बनाएगा। अगर आयोडीन से कराते हैं तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन से ब्रोमोफॉर्म। ठीक, तो इस प्रकार से हेलो फॉर्म बनाते हैं हेलोजन वाले तत्व इन तत्वों से क्रिया करके। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। हम इसके लिए या तो एथिल अल्कोहल C2H5OH ले सकते हैं, एस्टेल्डिहाइड CH3CHO ले सकते हैं, या एसीटोन CH3COCH3 ले सकते हैं। ठीक है, इनकी क्रिया में हेलोजनों से करानी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, तो ये हेलो फॉर्म बनाता है। ठीक है, तो रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। हमने यहाँ पे लिया एथिल अल्कोहल, सिंपली हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल C2H5OH लिया है। ठीक है, और लिया है क्लोरीन, क्लोरीन के देख सकते हैं आप 3×2 Cl2 है ना, तो 3×6 भाग क्लोरीन है, और 4 भाग हमने कास्टिक सोडा लिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 भाग हमने यूज किए हैं। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को जब हम मिला के गर्म करेंगे तो बनाएगा क्या, हेलो फॉर्म। अब कौन सा हेलोजन हमने यूज किया है, हेलोजन का जो एलिमेंट लिया हमने क्लोरीन यूज किया है। एथिल अल्कोहल में हमने क्लोरीन मिलाई, क्लोरीन कितनी भाग मिलाई है, 6 भाग मिलाई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सारे तत्वों को लिख लेते हैं कि वो किन किन संख्या पे है। ठीक, कार्बन के 2 भाग है, हाइड्रोजन देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन एथिल अल्कोहल में तो 6 है, और आगे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के गिने तो कितने हो जाएंगे, टोटल आपके 6, 4, 10 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर गिनती करें तो 4, 1, 5 ऑक्सीजन के तत्व हैं। ठीक है, अब क्लोरीन तो आपको पता है 6 है, सोडियम भी 4 है। ठीक है, सोडियम को तो हमें वैसे भी अलग से लिखना है तो सोडियम हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, बनाएगा क्या, क्लोरीन के साथ क्रिया कराए क्लोरोफॉर्म बनाएगा। तो यहाँ से एक हम क्या करेंगे, कार्बन ले लेंगे और एक ही हाइड्रोजन ले लेंगे, और यहाँ से 3 भाग हम क्लोरीन ले लेंगे, 6 भाग क्लोरीन है ना, 3 भाग क्लोरीन का यूज कर लेंगे। एक कार्बन लिया, एक हाइड्रोजन लिया, और 3 भाग हमने क्लोरीन के लिए क्या बना लिया इसने, क्लोरीन। जब हम एथिल अल्कोहल की क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो 3 भाग क्लोरीन और एक कार्बन एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेगा, क्लोरोफॉर्म बना लेगा। अब देख सकते हैं आप 9 हाइड्रोजन बचे हैं, 10 से ना 9 बचे हैं हाइड्रोजन, और एक बचा है कार्बन का भाग। ठीक है, और यहाँ पे 3 क्लोरीन बचे हैं और 4 भाग NaOH है। ठीक है, तो यहाँ से 3 भाग Na ले लेंगे और 3 ही भाग क्लोरीन, तो क्या बना लेगा, 3NaCl यानी 3 भाग सोडियम क्लोराइड के बन जाएंगे, एक भाग आपका सोडियम अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक भाग सोडियम का बचा हुआ है और आपका देख सकते हैं ऑक्सीजन है 5 भाग। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सोडियम फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा नहीं आगे, तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं इसको HCOONa।
क्योंकि एक भाग इन्हें बचा था ना और दो भाग हमने यहाँ पे उसके ऑक्सीजन के यूज कर लिए, एक जो कार्बन बच गया था उसका हमने कार्बन यहाँ पे यूज कर लिया है। अब आठ भाग बचे हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, एक और कम हो गया हाइड्रोजन, आठ भाग हाइड्रोजन के बचे हैं। अब यहाँ पे तीन भाग ऑक्सीजन के बचेंगे। आपको जब जल के अणु बनाने होते हैं तो आप सबसे पहले ऑक्सीजन को गिनिए कि ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है और हम क्या करेंगे, तीन दूनी छह, भाई हाइड्रोजन भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है तो हम क्या करेंगे, 3H2O कर देंगे, तीन भाग हम जल के मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन भी पर्याप्त मात्रा में, हाइड्रोजन के आठ भाग है, ठीक है, हाइड्रोजन के आठ भाग है तो तीन भाग हमने क्या कर लिए, जल के अणु हमने यूज कर लिए और जो हाइड्रोजन बाकी बचा हुआ है वो गैस बन के निकल जाएगा। तो देखा आपने, हमने लिया सिंपली एथिल अल्कोहल लिया, छह भाग हमने क्लोरीन ली, चार भाग हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जिससे हमें प्राप्त क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है, सोडियम क्लोराइड के तीन भाग प्राप्त हुए, सोडियम फॉर्मेट मिला है और जल के मॉलिक्यूल्स भी बाहर हो गए। एक बार फिर से समझ लीजिए, एथिल अल्कोहल हमने लिया, क्लोरीन की क्रिया कराई और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उसमें मिलाया, मिला के जब हमने गर्म किया, चूंकि हम क्लोरीन हैलोजन का यूज कर रहे हैं तो बनेगा क्या, क्लोरोफॉर्म बनेगा, तो CHCl3 हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। तो आई होप आपको हैलोफॉर्म अभिक्रिया समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।